हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं क्रिएट कर रही हूँ येलो ऑरेंज टोन में ये लुक। सो आई एम रियली एक्साइटेड टू क्रिएट दिस लुक, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, मैं स्टार्ट कर रही हूँ लैक्मे एब्सोल्यूट का ब्लर परफेक्ट प्राइमर, अप्लाइंग ऑल ओवर माय फेस, और इससे मुझे एक अच्छा बेस मिल जाएगा स्किन में। देन मैं यूज़ कर रही हूँ कलर एसेंस का ये फाउंडेशन, उसे मैं अपने ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से पूरे फेस पे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी और अच्छे से। ये मीडियम कवरेज देता है, बहुत ज़्यादा कवरेज नहीं। देन मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का फिट मी कंसीलर, सो इसे मैं अपनी आई लिड पे और ब्रिज ऑफ द नोज़, क्यूपिड और चिन और फोरहेड, जहाँ भी हाइलाइटिंग पॉइंट्स है वहाँ हाईलाइट करने के लिए और अप्लाई करूँगी, और देन सेम ब्यूटी ब्लेंडर से इसे ब्लेंड कर लूँगी, और इससे आई शेडो भी अच्छे से अप्लाई हो जाएगा। तो आईज पे भी मैंने इसीलिए लगा लिया है। सो देन इसे अच्छे से ब्लेंड करने के बाद इसे मैं सेट करूँगी लॉरियल मैट मैजिक कॉम्पैक्ट से। सो ये थोड़ा सा मैट फिनिश देगा मुझे, मेरी स्किन ऑयली है तो मैट फिनिश मेरे फेस पे ज़्यादा अच्छा लगता है। सो ये कॉम्पैक्ट में अप्लाई कर रही हूँ अपने पूरे स्किन में, और स्पेशली अंडर आई में थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पर क्रीज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। देन मैं यूज़ कर रही हूँ पैक का आईब्रो डिफाइनर और एक एंगुलर ब्रश की मदद से आईब्रोज को फिल कर लूँगी और एक अच्छे से शेप दे दूँगी, ये काफ़ी वेल ग्रूम्ड लगे। मेरी आईब्रोज थोड़ी पतली है तो मैं इसे उस तरह का शेप दूंगी कि मेरे फेस पर अच्छी दिखे। देन मैं ये डाइनी पैलेट से येलो कलर पिक करके इसे अपनी 1/3 आई लिड पे लगा लूँगी, और देन मैं सेकेंड शेड पिक कर रही हूँ सेम पैलेट से, थोड़ा सा डार्क येलो शेड है, इसे मैं आउटर वी में और क्रीज के जस्ट थोड़ा नीचे अप्लाई करके, और जो लाइट येलो मैंने लगाया था उसके एजेस को ब्लेंड करते हुए अप्लाई करूँगी। मैं पिक कर रही हूँ ये ऑरेंज शेड इन सेम पैलेट से, और इसे अपने क्रीज एरिया पे और आउटर वी पे ब्लेंड कर लूँगी, और उसे येलो के साथ भी ब्लेंड कर लूँगी। देन ऑरेंज को आउटर वी और येलो के साथ ब्लेंड कर रही हूँ अच्छे से। देन मैं सेम येलो शेड जो सबसे पहले पिक किया था उसे फिंगर की मदद से अप्लाई करूँगी ताकि येलो का अच्छा सा टोन मिले, और देन उसके एजेस को ब्लेंड कर लूँगी ऑरेंज के साथ ही ताकि फिनिश लुक लगे। देन सेम दोनों कलर्स को मैं अपनी लोअर लैश लाइन पे भी अप्लाई करूँगी, और साथ ही मैं फेसेस कैनेडा का काजल भी अप्लाई करूँगी और उसे भी स्मच कर लूँगी एक पेंसिल ब्रश की मदद से। देन मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का आई स्टूडियो जेल लाइनर, और इससे मैं विंग क्रिएट करूँगी, बहुत ज़्यादा बड़ा विंग नहीं, एक छोटा सा विंग क्रिएट करूँगी। बाद अपने लैशेस को मैं कर्ल कर लूँगी, ये स्टेप बहुत ही ध्यान से करना है आपको। देन मैं यूज़ कर रही हूँ कलाबार का जूम एंड वॉश मस्कारा, इसे मैं अपनी अपर लैशेस और लोअर लैशेस दोनों पे अच्छे से अप्लाई कर लूँगी, और उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ मेकअप रेवोल्यूशन से डियो फेस कल्प पैलेट, और इससे मैं अपनी फेस को एक डायमेंशन दूँगी, तो इसे मैं एज एन कॉन्टोर कर लूँगी चीक बोन्स और जॉ लाइन्स, नोज, फोरहेड, यूजुअल प्लेसेस जहाँ पे भी कॉन्टोरिंग की जाती है। तो मैं अपने फेस के अकॉर्डिंग यहाँ पे कॉन्टोर कर रही हूँ। मेरा फोरहेड बड़ा है तो मैं फोरहेड पे थोड़ा ज़्यादा उसे शेप देती हूँ। देन नोज पे भी कॉन्टोरिंग कर रही हूँ। देन यूज़ कर रही हूँ मैक का ये ब्लश, पिंक ब्लश है, काफ़ी ब्राइट है और काफ़ी पिगमेंटेड है, तो बहुत लाइटली मैंने इसे अप्लाई किया है ताकि बहुत ज़्यादा पिंकिश ना आए। देन वेट एंड वाइल्ड का ये हाइलाइटर मैं अपने अप्लाई करूँगी इसे ब्राउ बोन्स पे, और यूजुअल जहाँ भी मैं हाईलाइट करना पसंद करती हूँ चीक बोन्स, नोज, फोरहेड, क्यूपिड्स पे इसे अप्लाई कर लूँगी। देन मैं ये दो लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ, एक फेसेस कैनेडा की लिपस्टिक है 01 शेड नंबर है, और दूसरी कलाबार की लिक्विड लिपस्टिक है। मैं नाम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। ये न्यूडिश न्यूड कलर है तो मैंने ये अप्लाई किया है, और ये लिपस्टिक का कलर इस लुक के साथ बहुत ही अच्छा लग रहा था तो इसे मैंने अप्लाई कर लिया था।
देन गाइज आखिरी में किस ब्यूटी का सेटिंग स्प्रे एंड दिस इज माई फाइनल लुक। सो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को स्पार्क एंड ग्लिटर्स। नीचे सब्सक्राइब बटन है और साथ में क्लिक करिएगा बेल आइकॉन पे ताकि मैं आप जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपको एक नोटिफिकेशन आ जाए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह के लुक्स और क्रिएट करूँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।